धान का जो कटाई वगैरह की दरें हैं जो करती हैं वो 1996 से हुआ। तमाम राज मजदूरी बिजली दरें तमाम प्रकार के खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन वो दरें जो है 1996 की दरें नहीं हैं, इसलिए हम इनकी धान की कटाई करना नहीं चाहते। तो डीएम साहब ने क्या कहा, आपने बात डीएम साहब ने कहा कि कहा आप लोग करिए, अब हम कैसे करें, अभी मेरे तो बेच ना देंगे, हम लोग अभी करने को तैयार नहीं है जब तक हमारे पास इस विषय में ऊपर लड़ाई लड़ रहा है, जब तक आज इस विषय में कोई निर्देश नहीं मिल रहे तब तक हम काम। सरकार फ्री में काम कराना चाहती है, ये बताइए 30 साल पहले के रेट में आज रेट हो जाएगा, बताइए। जो बैटरी का रिक्शा वाला जितना कमाता है उतना ट्रक वालों को आप भाड़ा नहीं देना चाहते, कैसे काम हो जाएगा। 30 साल पहले 10 रुपया कुटाई मिलती थी मिलर को एक कुंटल में, आज भी 10 रुपया आप कुटवाना चाहते हो। जब डीजल का रेट 35-32 रुपया था, अब आज 75 उसी रेट पे आज आपको परिवहन कराना चाहते। ट्रांसपोर्टरों का कुछ भुगतान नहीं था और कुछ रेट लेकर डिफरेंशियल था। अभी एएम साहब से एरिया मैनेजर एफसीआई और आरएचसी ऑफिस से बातचीत हो गई है और विदिन वीक उनके जो बकाया भुगतान है वो हो जाएगा। कई स्तर पे कुछ दिक्कतें, कुछ तो नीतिगत है क्योंकि वो भारत सरकार जाता है और भारत सरकार से आएगा तभी मिलेगा, और कुछ मिलर स्तर पे भी और ट्रांसपोर्ट स्तर पे भी लापरवाही उन्होंने पूरा भी नहीं किया, तो जो जिस स्तर पे जो कमी थी वो ठीक करा दिया गया, शीघ्र हो जाएगा।